जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से। बल्दियाती कानून पर सिंध में अपोजिशन जमातों का धरना देने का ऐलान। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ समेत सिंध में दीगर अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची फवारा चौक पर अपोजिशन जमातों की जानब से बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया गया। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदल शेख, खुरम शेर जमान, नुसरत सहर अबासी, ख्वाजा इजहार, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर आमर खान समेत दीगर ने एहतजाजी शुरका से खताब किया। एमकेएम के रहनुमा आमर खान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ अभी से शहर फैसल मेट्रोपोल पर धरना शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल सारी जमातें पीटीआई, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी हमारे साथ बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने में बैठेंगी और हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सिंध हुकूमत मतनाज़ा कानून को मनसूख नहीं करती या इसे वापस नहीं लेती।